हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज पूरे दिन काफ़ी सारे व्यूअर्स की बेसिक क्वेरी थी, तो अभी हम वन बाय वन ए से लेके जेड तक जो रिलायंस इंडस्ट्री का राइट्स एंटाइटलमेंट के बारे में जो भी है क्वेरीज, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले आपको ये पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन पता चल जाए। आज रिलायंस इंडस्ट्री का जो एंटाइटलमेंट है उसका क्लोजिंग रेट आया है 232, यानी 15% आज भी वो अप क्लोजिंग हुआ है। तो हम चलो देखते हैं उसका, हम बेसिक देखते हैं तो उसकी रिकॉर्ड डेट मई 14 थी और राइट इश्यू की साइज है 53,124 करोड़, ठीक है। और आने वाले दिनों में हमको रिलायंस का 2 शेयर्स साइमल्टेनियसली ट्रेडिंग करके हमको दिखेगा, एक है फुली पेड अप और एक होगा पार्टली पेड अप। तो ये रही उसकी बेसिक डिटेल्स। 20 मई को ओपन हुआ रिलायंस का भी राइट, 20 मई को ओपन हुआ है, 3 जून को क्लोज हो रहा है। मई 29 को जो आरी हम अभी ट्रेड कर रहे हैं उसका लास्ट डेट है। डेट ऑफ राइट से अलॉटमेंट होगा जून 10, हमारे डीमेट में आएगा 11 जून को और जून 12 को उसका लिस्टिंग होगा। तो अभी जो आरी का अभी कॉन्सेप्ट हुआ है वो किसके लिए है, मतलब कौन से पर्सन को बेनिफिट हो सकता है? आप जो रिलायंस बाय करने के बारे में सोच रहे हो और आपके पास अभी इनफ लिक्विडिटी नहीं है तो आपके लिए ऑप्शन सूटेबल है। आप देख लो उसकी बेसिक। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगा 15 मई, यानी मतलब 29 मई को, जब भी हम मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करने से हमारा अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको आएगा मई 2021 में, 2021 में आएगा। और थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगा 6/28 का 2021 में। उसका राइट इश्यू प्राइस है 1257। आज का लिस्टिंग राइट जो आ रही है उसका क्लोजिंग आया है 232 पे। और हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमको कॉस्ट ऑफ द रिलायंस पर शेयर आ रही है 1489, वो भी नवंबर 2021 में, ठीक है। और आज रिलायंस का क्लोजिंग आया है 1440, यानी 50 रुपीज प्रीमियम पे अभी रिलायंस राइट इश्यू ट्रेड हो रहा है। अभी हम समझो 100 शेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। समझो हम मैंने आज क्लोजिंग पे रिलायंस आरी का 100 राइट्स बाय किया है, तो मेरे को अभी 23,200 अभी पेमेंट करनी पड़ेगी। बाद में जब भी मैं मेरा राइट का प्रोसीजर करूँगा ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसमें मेरे को 31,425 रुपीज़ ऑन और बिफोर 29 मई को पेमेंट करना पड़ेगा। यानी मेरा टोटल 100 शेयर का इन्वेस्टमेंट हो गया है 54,625। मेरा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा मई 2021 में, उसका रेट 100 से हम काउंट करते हैं तो मेरे को तभी अमाउंट आएगी 31,425। और लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा नवंबर 21 में, वो होगा 62,850। यानी मेरा टोटल पेमेंट रहेगा 1,48,900। उसमें मेरे को 100 शेयर्स मिल जाएगा, पर मेरे को अभी पेमेंट थ्री स्टेप में करना है। तो मेरे पास अभी लिक्विडिटी नहीं है, मैं शेयर लेना चाहता हूँ, मेरे को पोर्टफोलियो में रखना है रिलायंस लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरे लिए रिलायंस राइट इज द राइट अपॉर्चुनिटी टू बाय। देख सकते हो इफ यू बाय नाउ फुल्ली पेड अप शेयर 100, तो यू नीड टू पे 1,40,000 54,625 रुपीज ही पे करना है और आप 100 शेयर्स का पार्टली पेड अप शेयर्स का ओनर बन सकते हो, शेयर होल्डर बन सकते हो। एंड राइट इश्यू यू हैव टू पे इंस्टॉलमेंट नॉट इन ए फुल अमाउंट। सो बाय आज का क्लोजिंग आया है 232, यानी 15% अप, 30 रुपीज़ अप इन रुपीज टर्म, ठीक है। उसका 52 वीक लो है 152, यानी 2 दिन पहले 20 मई को 152 का लो बनाया है और आज का हाई है
58, यानी आप देख सकते हो कि आरी में कितनी डिमांड आ रही है। देखो रिलायंस आरी बाय करते हो तो आपको T+2 यानी 2 दिन रखना है, आपको डिलीवरी बाय करनी है, फिर आप मतलब 29 या उससे पहले बेच सकते हो। तो आपको राइट इंटाइटल मतलब राइट अप्लाई नहीं करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको रिटर्न मिल रहा है, आपको सेल करना है, तो आपको 2 दिन तो होल्ड करना ही करना है, क्योंकि ये टी ग्रुप में है, आपको ब्रोकर अलाउड नहीं करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो उसकी सीरीज बी लिखी हुई है, यानी BSE का और टी ग्रुप है, NSE में बी ग्रुप आ रहा है, ठीक है। इसमें आप इंटरनेट के माध्यम से आपका जो नेट बैंकिंग है उसमें आपको लॉगिन करना है, देन लॉगिन करके ही आपको जो IPO सेक्शन आ रहा है वहाँ आपको राइट दिखेगा, उसमें आपको इनेबल कर देना है, उसको आप अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। बाद में आपको जो बेसिक डिटेल्स है, पान है, फादर्स नेम है, DP ID है, डेट ऑफ बर्थ है, जो भी मतलब बेसिक डिटेल हम डालते हैं वो सब डाल देनी है, बाद में आपको अप्लाई कर देना है। उसमें आपका अमाउंट, नो अमाउंट विल बी डेबिटेड फ्रॉम द बैंक, बट योर अमाउंट विल बी ब्लॉक्ड पर शेयर, 314.25 अमाउंट विल बी ब्लॉक्ड, एंड दिस इज द ऑनलाइन आसबा प्रोसेस। फ्री मेथड है, आप देख सकते हो, आपको हमें आ गया वो वेबसाइट पे, वहाँ आपको जाना है, यहाँ RWAP में यहाँ आपको गो करना है। गो करते ही आपके सामने डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोड आर्बिट्रेट लेटर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ सिर्फ सब में टिक कर देना है, ये आपने सब टिक कर दिया, बाद में आपको प्रोसीड कर देना है, ठीक है। आपके पास रिकॉर्ड डेट पर जो शेयर होंगे तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपने जो आरी बाय किया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ कर सकते हो क्लिक। यहाँ क्लिक करने के बाद ये अपने आप वो क्लिक हो जाएगा, क्योंकि वो डीमैट में ही अवेलेबल है। आपके पास फिजिकल शेयर है तो आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। आपके पास रिकॉर्ड डेट में है तो आपको यहाँ क्लिक करना है और दूसरा इधर क्लिक करना है। ऐसे ही आपको क्लिक करने से आपका DP ID और पान नंबर दोनों डाल देना है और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आपको ये पूरा फॉर्म दिखने को मिल जाएगा। बाद में आपको प्रिंट लेके बैंक में सबमिट कर देना है। तो सिर्फ ऑनलाइन में आपका अमाउंट ब्लॉक होगा, ये मेथड में आपका अमाउंट, इन दिस मेथड द मनी विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट इमीडिएटली, एंड देट इज़ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 314.25 पर, ठीक है। तो ये दो मेथड से आपको राइट अप्लाई करना है ऑन और बिफोर 29 मई। हम आज रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में भी देख लेते हैं, ताकि आपको इकोनॉमिक वैल्यू डिवाइडेड बाई EBITDA करते हैं तो उसका अभी 65,000 करोड़ का वैल्यूएशन मिल रहा है, उसको हम 7x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको पूरा रिफाइनरी बिजनेस की वैल्यूएशन मिल जाती है, ठीक है। 4.55 लाख करोड़ उसकी रिफाइनरी की वैल्यूएशन आ रही है। उसका रिलायंस रिटेल का अभी टर्नओवर हो रहा है ईयरली 2 लाख करोड़, ठीक है। पीयर कंपनी का अभी वैल्यूएशन आ रहा है 2.5x, यानी जो भी सेल्स हो रहा है उससे 2.5 गुना मार्केट कैप है। तो हम यहाँ रिलायंस की यानी 3.9 लाख करोड़ मार्केट कैप होगा रिलायंस इंडस्ट्री का, रिलायंस रिटेल का। रिलायंस इंडस्ट्री का पूरा 3 बिजनेस में सेग्रीगेटेड है, एक रिफाइनरी है, रिटेल है और जियो है, मतलब मेन 3 बिजनेस है। और जियो का हमने रिसेंटली फेसबुक की डील से हम काउंट करते हैं तो 10% जो स्टेक है वो 44,000 करोड़ में सेल किया है। तो अभी 90% स्टेक रिलायंस के पास है, उसका वैल्यूएशन हो रहा है 3.96 लाख करोड़। नेट इकोनॉमिक वैल्यू आ रही है 11.06 लाख करोड़, और उसकी जो टोटल इक्विटी है वो 633.92 है। उसकी अभी हम रिलायंस की इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर काउंट करते हैं तो वो आ रही है 1744। रिलायंस आरी टी ग्रुप में है, आप इंट्राडे नहीं कर सकते हो, आपको T+2 डेज रखना ही है, ठीक है। और आपको कुछ क्वेरी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, मैं आपका सॉल्यूशन कर दूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू।